अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज फ्राइडे है, सोचा नाश्ते के लिए अलग से कोई रेसिपी आपके लिए मैं लाऊं। आज मैं बनाने जा रही हूँ आमलेट। आज मैं बनाऊंगी दो तरह के आमलेट, एक अंडे का आमलेट और एक बेसन का आमलेट। बेसन से हम आमलेट बनाएंगे। यकीनन मेरी यह रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ वाला बेल का बटन ऑन कीजिए ताकि मेरी हर नई रेसिपी आप तक पहले पहुंच सके। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाने लगे हैं अंडे का आमलेट। उसके लिए जो अज्जा मैंने लिए, एक अदद अंडा है, ये हाफ प्याज है, इसे मैं बारीक बारीक काट के चॉप करूंगी आपके सामने। ये थोड़ा सा टमाटर मैंने चॉप किया है, ये शिमला मिर्च है, इसे भी चॉप करूंगी बारीक बारीक। ये ग्रीन हरी मिर्च है और ये हरा धनिया है। ये मेरे पास तकरीबन दो चुटकी नमक है, हसबे जायका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास मिर्च है, ये मैंने लिया हाफ टी स्पून, और ये हल्दी लिया है हसबे जायका तकरीबन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं प्याज को ये ऐसे चॉप करना, प्याज बारीक बारीक। अब ये मैं शिमला मिर्च चॉप करूंगी। अगर आपको पसंद है नाज़रीन तो आप डालें, अगर नहीं पसंद तो ना डालें, ये आपकी अपनी चॉइस है। के साथ ही मैं सब्ज मिर्च भी चॉप करूंगी इसके साथ। ये दोनों चीजें मैं चॉप कर लूंगी। पहले मैं छुरी के साथ इस तरह काट लूंगी, बाद में चॉपर के साथ करूंगी मैं। ये मैंने प्याज नाज़रीन चॉप कर लिया, ये मैंने ग्रीन हरी मिर्च और शिमला मिर्च दोनों चॉप की, ये मेरे पास चॉप किया और धनिया है, और ये टमाटर इधर पड़े हैं। ये मैंने एक बॉल लिया है, इसमें मैं डालूंगी प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये शिमला मिर्च और हरी मिर्च, ये धनिया, ये साथ ही मैं इसमें टमाटर चॉप किए डालूंगी। अब मैं नाज़रीन इसमें ये मिर्च नमक और हल्दी डाल रही हूँ। अब मैं इसको मिक्स करूंगी। नाज़रीन जब भी अंडा डालें तो डायरेक्ट मत डालें, पहले किसी बॉल में तोड़ लें। हमारा अंडा सही है, अब हम इसमें डालेंगे, अब हम इसे खूब फेंटेंगे ऐसे। ये देखें नाज़रीन, हमारा अंडा अच्छी तरह मिक्स हो गया है, मैंने खूब फेंटा है। ये देखें ऊपर झाग सी आ गई है। ये नाज़रीन देखें हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है अंडे का। अब मैं बेसन का मिक्सचर बनाने लगी हूँ। नाज़रीन अब हम बनाते हैं बेसन का आमलेट। उसके लिए जो मैंने अज़ा लिए वो ये हैं। ये दो टेबलस्पून मैंने लिया है बेसन, हाफ टी स्पून मैंने लिया पीसी हुई लाल मिर्च, हाफ से भी हाफ मैंने लिया सूखा धनिया, तकरीबन ये हाफ से भी हाफ नमक लिया मैंने, ये चुटकी मैंने ली है हल्दी, और ये मीठा सोडा बिल्कुल मैंने चुटकी लिया। ये देखें नज़र आ रहा है, मीठा सोडा बिल्कुल चुटकी सा लिया मैंने। और ये हमारे थे 2 टेबल स्पून, ये मैंने लिए 4 टेबल स्पून पानी मैंने लिया है, ठीक है। ये मेरे पास हरा धनिया है, हरी मिर्च है, और ये प्याज है। अब मैं प्याज को काट के चॉप करती हूँ। इस तरह हमने आमलेट अंडे के लिए लिया, उसी तरह हम इसके लिए लेंगे। नाज़रीन ये मैंने प्याज और 2 दद हरी मिर्चें चॉप कर ली हैं। ये मैंने एक बॉल लिया है, इसमें मैं बेसन डालूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 2 टेबलस्पून है, ये हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। पहले हम ये डाल लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें थोड़ा करके हाफ पानी पहले डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह। ये देखें
गुठलियाँ नहीं इसमें होनी चाहिए, ये बात नोट कर लें, अच्छी तरह मिक्स कर लें इसे। नाज़रीन ये मैंने बेसन, नमक, मिर्च, हल्दी और 3 टेबलस्पून पानी डाल के अच्छी तरह इसको तकरीबन 5 मिनट फेंटा है, अच्छी तरह इसे फेंटा है मैंने। अब मैं इसमें ये प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया मिक्स करूँगी। ये हरा धनिया थोड़ा सा लूँगी, बस ज़्यादा नहीं हमने लेना। डाल के मसाले प्याज वगैरह हमारा मिक्सचर गाढ़ा हो गया, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। तकरीबन ये अंडे की तरह हमने ये मिक्सचर बनाना है, ये देखिए। अब नाज़रीन ये दोनों मिक्सचर तैयार है हमारे, ये अंडे का ये बेसन का। ये मैं फ्लेम ऑन करने लगी हूँ, ये हम ऊपर तवा रखेंगे। नाज़रीन ये आमलेट आपने तवे में बनाने हैं, ये आप गलती ना कीजिएगा कि फ्राई पैन में बनाएं या मतलब किसी और चीज़ में, ये तवे पर ही अच्छे बनते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। ये हमारा ऑयल गर्म हो गया है, हमने फुल गर्म नहीं करना, बस दरमियाना। ये हम देखें अभी तक झाग ऊपर है अंडे के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम ये साइडों से थोड़ा थोड़ा ऑयल लेके इनके इसके ऊपर डालेंगे। अब हम इसको छुरी के साथ इसको फोल्ड करेंगे। अभी हमारा तकरीबन हुआ नहीं है, हो रहा है तकरीबन। इस तरह बड़ी छुरी ले लें, उसके साथ आपने फोल्ड करना है। ये हमारा नीचे से पक चुका है, अब हम इसे फोल्ड करेंगे। अब हमारा आमलेट तैयार है, अब हम इसे इसके पीस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन ये मैंने इसके पीसेस कर लिए आमलेट के, ये अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम बनाने लगे हैं बेसन का आमलेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन ये हमारा बेसन का आमलेट भी रेडी हो गया है, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। नाज़रीन ये आज की रेसिपी तैयार है, ये मैंने साथ लच्छेदार पराठा भी बनाया, ये देखें लच्छेदार पराठा भी है, साथ मैंने ब्रेड रखा है। ये बेसन का आमलेट है, ये अंडे का आमलेट है। उम्मीद है कि मेरी ये आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिएगा, घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। ऐसा चुप कर जाओ।